हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल हो और ऑडिबल हो सभी को। यस, स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्साइटेड सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट, तो सबसे पहले आ जाते हैं वोकैबलरी पे एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन विद टुडेज वोकैबलरी। और सबसे पहला शब्द है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अपॉर्शन। देखो अपॉर्शन, सबसे पहले तो देखो लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हमें लग रहा था ये नाउन है। लेकिन ये जो शब्द है ये हमारा नाउन नहीं होता है, ये शब्द हमारा क्या होता है, ये वर्ड हमारा वर्ब होता है। अपॉर्शन का मीनिंग क्या है, हम किसी चीज़ को लोगों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, इतनी इसको दे दो, इतनी इसको दे दो, इतनी इसको दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्शन करना। टू डिवाइड समथिंग अमंग पीपल, टू गिव अ शेयर ऑफ समथिंग टू समबडी। एक्शन की बात करें इसलिए क्या हुआ, वर्ब हो गया। डिस्पेंस करना, प्रोरेट करना मींस बांटना। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंसोलिडेट करना मींस इकट्ठा करना, मोनोपोलाइज करना मींस एक ही के पास छोड़ देना। तो प्लीज अपॉर्शन द टास्क, ये जो काम है इनको अच्छे से बांट लो, जिससे कि हर किसी के पास क्या हो, हर किसी के पास इक्वल वर्कलोड हो। अगले वर्ड पे आते हैं कंटेंडिंग। कंटेंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी बात को बोल रहे हो कि भाई ये बात सच है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंटेंड कर रहे हो। सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू और इज अ फैक्ट, वो चीज़ सच है, वो एक फैक्ट है। असर्ट कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, मतलब उस बात को सपोर्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए गेन से कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मीन्स उसके अपोज कर रहे हो किसी चीज़ को। आई कंटेंड दैट, मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं इस बात को ऐसा बता रहा हूँ कि ये सच है। क्या सच है, कि ये जो रेसिपी है ये बेस्ट है चॉकलेट चिप कुकीज के लिए। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज सरफेस्ड। सरफेस का मीनिंग क्या है, अचानक से ऊपर आ जाना, बिकम ऑब्वियस, ऑब्वियस हो जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस पे आना। पहले छुपा हुआ था, अब क्या हुआ, सब लोगों के सामने आ गया, ऑब्वियस हो गया, एमर्ज हो गया, मिस मैनिफेस्ट हो गया, मीन्स आप लोगों के सामने आ गया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है, वर्ब है। एंटोनिम्स, डिसिपेट हो गया, फैल गया, फेड हो गया, खत्म हो गया। तो अ सेंस ऑफ नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया मीन्स पुरानी यादें, जब होता है ना पुराने पिक्चर्स देखते हैं तो नोस्टैल्जिक हो जाते हैं। कभी कभी ऑथर की टोन कैसी होती है, कभी कभी ऑथर की टोन नोस्टैल्जिक होती है। नोस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, ऑथर पुरानी यादों को याद करने लग जाते हैं, वो भी क्या दिन थे, वो कागज की कश्ती, वो नदियाँ का पानी, है ना, ऐसा कुछ था, ऐसा कोई गजल थी शायद। तो नॉस्टैल्जिया की का सेंस, उसको नॉस्टैल्जिक, वो नॉस्टैल्जिक हो गया कब, जब उसने अपना बचपन का घर देखा। अगला वर्ड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, दोनों में ही लास्ट में ई एन टी लग रहा है, तो दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। कन्वर्जेंट मीन्स एक जैसे, डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग। तो डाइवर्जेंट मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग, अलग अलग, एंथीथेटिकल, अलग अलग। एंटोनिम्स क्या हो गए, आइडेंटिकल, अलाइक, कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, ये भी क्या है, एंटोनिम है। तो जो ओपिनियंस थे दोनों फ्रेंड्स के, वो डाइवर्जेंट थे, वो अलग अलग थे, जिसकी वजह से बड़ा मज़ेदार डिबेट हुई, बड़ा मज़ा आया उस डिबेट में। अगले वर्ड पे आते हैं इक्विटेबल। इससे पहले मैं आप लोगों को इन दो वर्ड्स का डिफरेंस बताना चाहती हूँ। एक शब्द होता है इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। आप लोग मुझे डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों शब्द में, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? देखो इक्वालिटी होती है कि हर किसी को सेम मिले, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है, ये कोई बुजुर्ग है, ये कोई विमेन है, सब लोगों को दो दो किलो राशन मिले। तो सबको क्या मिला, 2 kg, 2 kg, 2 kg राशन मिला, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया इक्वालिटी। इक्विटी क्या हुआ, इक्विटी हुआ कि ये बच्चा है, इसको पूरे दिन में ये एक पूरे दिन में इतना खाएगा, तो उसको उसकी डाइट के हिसाब से मिला, इसको इसकी डाइट के हिसाब से मिला, इसको इसकी डाइट के हिसाब से मिला, इसको इसकी डाइट के हिसाब से मिला, मतलब जितना रिक्वायर्ड था कि सब लोगों को सेम लेवल पे लाने के लिए उतना उतना मिला, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। क्या डिफरेंस क्लियर है दोनों में?
तो ये दोनों कौन से थे? ये दोनों वर्ड्स जो थे आपके नाउन थे। इक्विटेबल लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, इसका मतलब ये शब्द क्या हो गया, ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इक्विटेबल मीन्स आप हर किसी को इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हो, फेयर है, रीजनेबल, कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर रहे, इम्पार्शियल है, नॉन पार्टिसन है, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट बायस्ड, बायस्ड नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए, प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड पे डबल स्टार मार्क कर लेना, प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है, बायस्ड हो, आप कोई और ओपिनियन बना के बैठे हुए हो। डिस्प्रोपोर्शनेट है, डिस्प्रोपोर्शनेट भी क्या होता है, आप बायस्ड हो, आप एक तरफ ज्यादा कर रहे हो एक तरफ कम कर रहे हो। तो कंपनी ने इक्विटेबल पे स्केल्स दिए जिससे कि सारे के सारे एम्प्लॉयज के बीच में क्या आए, इक्वालिटी आए। अगला वर्ड है इनएविटेबल, मैंने बोला डेथ इज इनएविटेबल, तो इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, जिस चीज से बच नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल, जो चीज होगी ही होगी, जो चीज कैसी होती है, अनअवॉइडेबल होती है, जिससे कोई नहीं बच सकता, दैट इज व्हाट इनएविटेबल। डेस्टीन है, इनएक्सोरेबल है, मींस होगी ही होगी। एंटोनिम्स हो गए अवॉइडेबल है, भाई बच सकते हो, इनडेफिनेट है, नहीं है कोई फिक्स शेप ही नहीं है, तो चेंज से नहीं बच सकते, हमें अपने आप को उसके हिसाब से अडैप्ट करना ही होगा, अडैप्ट मीन्स अपने आप को उसके हिसाब से ढालना ही पड़ेगा। अच्छा, ये अडैप्ट आया है एग्जामिनेशन में बहुत बार, एक क्वेश्चन आता है, ये तीन शब्द होते हैं, इसका एरर वाला क्वेश्चन आता है, अडैप्ट, अडॉप्ट और अडैप्ट, डिफरेंस बता सकते हो आप लोग मुझे इसमें? ये जो अडैप्ट होता है इसका मीनिंग होता है, ये एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है अपने आप को उस हिसाब से ढालना। ये जो अडॉप्ट होता है ये भी एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है किसी को अपना लेना, किसी को आपने अडॉप्ट कर लिया मीन्स अपना लिया, इसको मतलब होता है एडजस्ट करना, इसका मीनिंग होता है एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना। ये जो अडैप्ट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है वो इंसान जो बहुत निपुण होता है, बहुत इंसान, वो इंसान जो बहुत स्किल्ड होता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, अडैप्ट बोलते हैं। क्लियर सभी को? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज इरोजन। इरोजन का मीनिंग क्या है, आप धीरे 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 किसी चीज को तबाह कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सॉइल इरोजन होता है, धीरे 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 करके सॉइल जो है तबाह होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, तो इरोजन का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज को आप तबाह कर रहे हो। वेन घटती जा रही है, एब्रेशन खत्म होती जा रही है। एंटोनिम्स रेपरेशन, रेपरेशन का मीनिंग क्या होता है, पछतावा कर रहे हैं, मतलब ठीक होते जा रहे हैं, रिस्टोरेशन ठीक होते जा रहे हैं, तो अगर विश्वास खत्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है रिश्तों को वापस लाना, अगर ब्रेकअप हुआ है और विश्वास के टूटने की वजह से ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप उतना ही मुश्किल होता है, होता है नहीं होता है। लास्ट में आई ओ एन है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ, वेरी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी इंसान कौन होता है, जो इंसान किसी चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ना बहुत ज्यादा डाउट करता है, केयरफुल रहता है, इस वजह से ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, वेरी मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत सावधान रहता है, उसको लगता है कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, हीडफुल। हीड का मतलब क्या होता है, हीड का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान, तो हीडफुल क्या हो गया, ऐसा इंसान जो ध्यान ही ध्यान देता है, कैरी होता है, कैरी मीन्स बहुत ज्यादा केयरफुल होता है। एंटोनिम्स अनमाइंडफुल, फर्क ही नहीं पड़ता भाई जो हो रहा हो चलने दो, ऐसे इंसान बड़े टेंशन फ्री होते हैं। फूल हार्डी, जो हो जाए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देते ही नहीं है। तो आफ्टर गेटिंग स्कैम वंस, एक बार उसके साथ घोटाला हो गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया ऑनलाइन ऑफर्स के प्रति। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माई चैंपियंस? एक बार थम्स अप दे देंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, जिन सभी को वोकैबुलरी समझ में आ रही है। रिपरेशन का मतलब होता है बेटा पछतावा। अगले पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक चले जा रही है, चले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड। प्रोट्रैक्टेड, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग क्या होता है, लंबे टाइम तक चल रही है। लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स मंडरा रही है। होवरिंग मीन्स वही मंडरा रही है, वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए, फ्लीटिंग, बहुत पल भर की है। एवनेसेंट पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत पल भर की है। एक बार इसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं,
ट्रांजिएंट, एफीमेरल, एफीमेरल पे भी डबल स्टार मार्क कर लेना। इन चारों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? पल भर की, एक सॉन्ग भी है ना, पल भर का, ख्वाबों का, पता नहीं मुझे ना लिरिक्स कभी याद नहीं होते सॉन्ग से। तो पल भर की कोई चीज हो उसको क्या बोलते हैं? एफीमेरल, ट्रांजिएंट, इवानेसेंट या फिर फ्लीटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज व्हाट? एडजेक्टिव। तो सरहा जो है इतने लंबे टाइम से एब्सेंट रही काम में, इसकी वजह से उसके जो आपस दो दोस्त वगैरह थे, जो कलीग्स थे उसके साथ काम करने वाले थे, वो सब चिंतित हो गए। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, डेफर टू, मैंने किसी चीज को आगे डेफर कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, दूसरे पर्सन को बोला कि भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो अगर हम किसी चीज को डेफर करते हैं इसका मतलब क्या, सामने वाले को बोलेंगे भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। स्पेल्ड आउट, किसी चीज को स्पेल आउट करना मीन्स बहुत क्लियरली उस चीज को बताना। एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज को स्पेल आउट कर रही हूँ। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? अच्छा वैसे डेफर अकेले आता है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, अगर डेफर अकेले आता है तो। आगे बढ़ते हैं, एक ईडियम यूज हुआ है, थ्रू इट्स वेट बिहाइंड। वेट का मीनिंग क्या है? पावर। तो हमने क्या किया, किसी इंसान के पीछे अपनी पावर लगा दी, किसी इंसान के पीछे अपनी पावर लगा दी मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल किया उस इंसान को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पावर का इस्तेमाल किया उस इंसान को प्रमोट करने के लिए। दैट मीन्स वी थ्रू आर वेट बिहाइंड